अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इजी कुकिंग। आज की हमारी रेसिपी है कस्टर्ड कुल्फ़ी। आज हम कस्टर्ड से कुल्फ़ी बनाएंगे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। अगर आपको रेसिपी पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कस्टर्ड कुल्फ़ी। तो ये मैंने दूध ले लिया है, ये मैंने फुल क्रीम दूध लिया है, आधा किलो लिया है। तो सबसे पहले मैंने इसको रख दिया है उबलने के लिए, ये मैंने गैस पर रख दिया है उबलने। और ये मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है, ये वाले खाने के 2 चम्मच मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है। आपको जो भी फ्लेवर पसंद हो आप उसी फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर ले ले। और ये मैंने थोड़ा सा दूध ले लिया है, ये मैंने उसी भिगोने में से थोड़ा सा दूध लिया है कस्टर्ड को घोलने के लिए। और ये मैंने काजू लिए हैं बारीक कटे हुए, बादाम लिए हैं बारीक कटे हुए, ये मैंने थोड़ा सा 1/4 टीस्पून लिया है इलायची पाउडर। और ये मैंने टी कप लिए हैं, आज मैं इसको इसी में जमाने वाली हूँ, स्टिक ली है मैंने। तो सबसे पहले तो हम इसको घोल देते हैं, मैंने दूध रख दिया है उबलने के लिए गैस पे, तो हम इसको घोल लेते हैं ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना रहे। अच्छे से घोल लेंगे थोड़ा थोड़ा दूध डाल। तो ये कस्टर्ड पाउडर मैंने घोल लिया है अच्छे से, अब हम दूध को देख लेते हैं। हमारा दूध इधर हमारे दूध में उबाल आ गया है, अच्छे से उबाल आ गया है। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम हाई रखा हुआ है। अब हम यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर डालेंगे जो हमने घोल के रखा हुआ है। यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसको मिलाते जाएंगे। एक हाथ से हम इसको चलाते रहेंगे और एक हाथ से इसको डालते रहेंगे। तो हम इसको ऐसे डाल डाल के चलाते रहेंगे। ये देखिए मैंने डाल दिया है, अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही चलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे। तो ये मैंने कस्टर्ड को 2 मिनट के लिए ऐसे ही चला चला के पका लिया है। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें जैसे आपको चाहिए। मैंने यहाँ पे डाली है 1/3 कप, ये डाल दी है मैंने। और यहीं पे डाल देते हैं हम काजू और बादाम जो मैंने आपको दिखाए थे, काजू बादाम और इलायची पाउडर, ये सब डाल दिया मैंने। अब हम इसको मिला लेंगे अच्छे से, 1 मिनट और पकाएंगे हम इसको। तो ये मैंने काजू बादाम डालने के बाद 1 मिनट और इसको पका लिया है, ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम कर देते हैं बंद और इसको ऐसे छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। ये ठंडा होने के बाद थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा, फिर जमाएंगे हम अपनी कुल्फ़ी। तो छोड़ देते हैं इसको ऐसे ही ठंडा होने के लिए। तो हमारा कस्टर्ड ठंडा हो चुका है, ये देखिए ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो गया है। मैंने इसको पंखे के नीचे रख के ठंडा कर लिया है, अब हम इसको जमाने के लिए रखेंगे। तो इसके लिए हम इसे इसमें डाल लेते हैं, अपनी पसंद से डाल ले, चाहे तो इसको फिल भर ले चाहे तो थोड़ा थोड़ा कम रख ले। तो मैं यहाँ पे इस हिसाब से डालूँगी, ये देखिए। मैंने कस्टर्ड को टी कप में डाल लिया है, अब हम इसको अच्छे से पैक कर देंगे ताकि इसमें बर्फ वगैरह ना जमे। तो हम इसको अच्छे से ऐसे करके बिल्कुल अच्छे से बंद कर देंगे, इन सब को हम ऐसे ही बंद कर देंगे। ये देखिए बंद कर दिया है मैंने, इसी तरह मैं इनको भी बंद कर लेती हूँ। मैंने इन चारों को बंद कर दिया है, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा कट लगा लेंगे क्योंकि हम इसमें स्टिक डालेंगे। तो बीचों बीच यहाँ पे थोड़ा सा कट लगा लेंगे और हम यहाँ पे डाल देंगे ये स्टिक ऐसे करके। इसी तरह मैं इनमें भी डाल लेती हूँ। ये देखिए अब हम इनमें ऐसे स्टिक डाल देंगे, ये देखिए। और ये हमारी कुल्फ़ी जमने के लिए हो गई है बिल्कुल तैयार। अब हम इसको फ्रिज में रख लेंगे, फ्रिज में हम इनको 7 से 8 घंटे के लिए रखेंगे। तो मैं इसको फ्रिज में रख के आती हूँ 7 से 8 घंटे के लिए, 7-8 घंटे के बाद दिखाऊंगी आपको, ठीक है। तो हमारी कुल्फ़ी को फ्रिज में रखे हुए 8 से 10 घंटे हो गए हैं, हम इसको खोल लेते हैं और चेक कर लेते हैं। मैंने इसको अभी तक चेक भी नहीं किया है, खोला भी नहीं है, आप ही के सामने खोल रही हूँ मैं इसको, ये देखिए। और ये बिल्कुल परफेक्ट जम के हो गई है तैयार। मैंने ये पानी लिया है, हम इसको थोड़ा सा इसमें ऐसे डिप करेंगे ताकि ये इजीली निकल। तो मैंने इसको कुछ सेकंड के लिए पानी में डिप कर लिया है, अब हम इसको निकालेंगे, ऐसे घुमाएंगे हम इसको और ऐसे निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी खूबसूरत हमारी कुल्फ़ी जम के हो गई है तैयार। हम लीजिए बहुत ही बेहतरीन हमारी कस्टर्ड कुल्फ़ी बन के हो गई है तैयार, जो बहुत ही बढ़िया बनी है, बहुत ही अच्छी है। आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है। ये मैंने ऊपर से थोड़े से बादाम डाले हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।